पुराण माने हम समझते हैं हिंदी में ये तो पुराना है ना, पुराना को पुराण कहते हैं, मगर सच में देखा जाए पुराण माने बिल्कुल नया है, नित नूतन को मत मॉडर्न को पुराना, पुराण संस्कृत में पुरे नवा इति पुराण माने जो बिल्कुल नए ढंग से बताना समझाना, इसको पुराण कहते हैं। और सभी पुराणों में गूढ़ तत्व निहित है। देवी महात्म्य में प्रथम चरित्र में मधुकैटभ की कहानी है। मधुकैटभ की कहानी बड़ा विचित्र कहानी है। महाविष्णु सागर में विश्राम कर रहे थे, उनके कानों से जो मैल निकला उस मैल से दो राक्षस पैदा हो गए, मधु और कैटभ। मधु माने क्या? राग। कैटभ माने द्वेष। राग द्वेष नामक दो राक्षस खड़े हो गए और समुंदर के अंदर वो घूमते रहे। समुंदर क्या है? ये संसार को सागर माना। संसार सागर में ही राग द्वेष पैदा होता भाई। संसार से ऊपर उठो तो उनका कोई जान नहीं है, जीव नहीं है। संसार से ऊपर जाओगे तो न राग है न द्वेष है। राग द्वेष कहाँ है? संसार में है। मगर उनको संसार में रहते होते ऊपर से मंत्र सुनाई दी, कुछ शक्ति मिल गया और वो उस मंत्र की साधना करने लग गए। माने राक्षस भी मजबूत हो गए। जब राक्षस इतने मजबूत हो गए तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी माने सृजनात्मक शक्ति, जब राग द्वेष इतना बढ़ जाता है तुझमें, तेरा आँखों पर पर्दा लग जाता है, बुद्धि पर धूल जम जाती है, आवरण लग जाता है, तो तुम ना सुन पाते हो, ना देख पाते हो वास्तविक को, ना कुछ कर पाते हो। तो ब्राह्मी शक्ति तेरा दब जाते हैं जब राग द्वेष बढ़ जाता। तब ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु तो विश्राम कर रहे हैं। तब वो देवी के पास जाते हैं। देवी माने शक्ति, प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति। और चैतन्य शक्ति की कृपा से विष्णु जागे। जागे हो विष्णु? कैसे जागे? चैतन्य शक्ति की वजह से जागे, उनकी कृपा से। तब ये मधु कैटभ राग द्वेष वाले जो दो आसुरी शक्ति है, इनका हनन हो पाया। कोई राग द्वेष मिटाना हो डंडा लेके चलो तो नहीं हो पाएगा। यही हुआ। जब विष्णु सोए थे तो कोई युद्ध नहीं था, और जब जागते थे युद्ध शुरू हो जाता था और हजार साल तक लड़ते रहे। माने आपके भीतर से पैदा हुआ राग द्वेष से आप जितना मिटाने के लिए चेष्टा करो असंभव है। तुम्हारा राग द्वेष तुम मिटा पाओगे? कभी नहीं, ये बताते हैं। क्यों? तुम मिटाने की जितना चेष्टा करोगे, लड़ोगे, लगता है जीत गए मगर थोड़े दिन के बाद, थोड़े समय के बाद फिर वापस आ जाएगा। तब दैवी शक्ति के शरण में जाते, माँ के शरण में जाते। माँ क्या करती? प्रेम से दोनों राग द्वेष को बुलाती है। बुला के क्या बोलती है? तुम्हें क्या चाहिए बेटा? वर मांगो। वो बोल रहे तुम क्या देने वाला? मैं देता हूँ तुमको वर। तब वो बोलते हैं ठीक है तुम अभी मर जाओ। ये बड़ी विडंबना है। कोई माँ बोले करुणावश बोलते तुम अभी मर जाओ, माने उसका मुक्ति मिल गया। और कहाँ पर? पानी के नीचे। पानी क्या है? प्रेम। आपहा, देखो ये हमारे आप्त है, कहते हैं ना संस्कृत में प्रेम और पानी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, आपहा। या आपहा का यही थे अपने, आप अपने हैं। यह अपना शब्द भी आपह से हुआ। आप माने पानी भी और आप माने अपने भी। प्रेम से जो शक्ति, जो
उद्गम हुआ शक्ति का, वो शक्ति की जो कृपा से राग द्वेष मिटा। नहीं तो विष्णु तो युद्ध लड़ते रहे, हजार साल तक लड़ते रहे, सफलता नहीं मिली। सोते वक्त युद्ध समाप्त हो जाता, जागते ही फिर वापस आ जाते। यही हाल होता है राग द्वेष, जब सोते हो तो नहीं होता, कहाँ होता है सोते वक्त, उठते हो तो राग द्वेष बढ़ता है कि नहीं, बन जाता है। और तुम मिटाने की चेष्टा करो, मिटती है नहीं, कृपा से मिटती है, ऊर्जा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, तो मिट जाता है अपने आप, पता ही नहीं चलता कैसे मिट गया। शक्ति का तीन रूप है, कौन सा तीन रूप है? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, और ये तीनों जहाँ इकट्ठे हो जाती हैं वो माँ काली है। माँ काली माने ज्ञान भी, इच्छा भी और क्रिया भी। और वो माँ काली ने मधुकैटभ को ख़त्म कर दिया। ये देवी महात्म्य में पहला चरित्र इसी में। तो अपने जीवन में देखो, तुम्हारे भीतर राग द्वेष हो और राग द्वेष को दूर करने के लिए तुम चेष्टा करो तो होगा? नहीं होगा। कैसे दूर होता है? प्राण शक्ति बढ़े, परमात्मा के शरण में हम जाते हैं तो मिट जाता है, सहज ही मिट जाए।